हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टिश्यूज़ का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मस्कुलर टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यूज़ को देखेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू का मैंने एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जो बॉडी के अंदर जहां पर इनकी लोकेशन होती है उसके हिसाब से इनका नाम यहां पर रखा गया है। तो सबसे पहले जो है वो स्केलेटल मसल्स है, दूसरी विसरल मसल्स है और तीसरी कार्डियक मसल्स हैं। मसल्स के बारे में एक बात आपको ये बता दें कि जहाँ भी इनका मूवमेंट है, हमारी बॉडी में कहीं भी मूवमेंट है, वहाँ ज़्यादातर मसल्स जो है वो एसोसिएटेड उसके साथ होती है। तो इसमें जो है, अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो आप जहाँ भी देखें कि इस तरह के, जैसे अगर आप अपने हाथ को इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, एक क्लंप नज़र आएगा, तो उसमें क्या है, वो मस्कुलर टिश्यू है। और वो भी कौन सा है, स्केलेटल मसल्स हैं। जो स्केलेटल यानी जो कंकाल तंत्र के साथ जो एसोसिएटेड मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद हम विसरल मसल्स की बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर विसरा के अंदर जो, मतलब जहाँ पर जैसे आहार नाल मान लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए, या कुछ और ऑर्गन्स जहाँ पर मसल्स की ज़रूरत होती है, उसके अंदर मसल्स की लाइनिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर विसरल मसल्स पाई जाती हैं। और कार्डियक मसल्स का जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, वो हार्ट के अंदर, कार्डियक रीजन के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे अगर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इसके अलावा जहाँ भी इस तरह का जो स्केलेटल सिस्टम है वहाँ पर ये मसल्स मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनाया हुआ है वो इस तरह का बनाया हुआ है, इसे ये मसल फाइबर्स बने हुए हैं, इस तरह के मसल फाइबर्स बने हुए हैं, उसमें इस तरह के आपको दिखेंगे। तो ये सारी हैं स्केलेटल मसल्स। और इसकी अगर हम डिटेल को डिस्कस करते हैं तो देखिए ज़रा, ये जो यूनिट है ये सार्कोमियर कहलाती है। मसल की वो यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो सार्कोमियर है। यहाँ पर कुछ आपको ये डार्क बैंड दिखेंगे, ये लाइट बैंड हैं। यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स होते हैं जो इस तरीके से मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में सहायता करते हैं। तो जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। दूसरी इन मसल्स की खास बात ये होती है कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, ये क्या होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक सार्कोमियर में हो सकते हैं, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। अच्छा, दूसरा जो है ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी हमारी इच्छा से चलती हैं, हम चाहते हैं हमें गति करनी है तो ही ये गति करती हैं, तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं। देखिए, अगर आप पोजीशन के हिसाब से देखें, लोकेशन के हिसाब से देखें, तो स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है इसलिए स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखें तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसके फंक्शन के हिसाब से देखें तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। और यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स पाए जाते हैं जो इसके कॉन्ट्रैक्शन में इसकी सहायता करते हैं। सेकेंड मसल जो हैं वो विसरल मसल्स, जो विसरा में पाई जाती है बॉडी कैविटी में। जिस तरीके से अगर आप एलिमेंट्री कैनाल देखो, ये आमाशय है जिसको स्टमक आप कहते हो, तो इसकी वॉल के अंदर इसका सेक्शन काट के देखो, या यहाँ पे देखो, या
इंटेस्टाइन का कोई पार्ट सेक्शन काट के देखो तो वहाँ पे ये मसल्स आपको दिखाई देती हैं, विसरल मसल्स। इनकी देखिए क्या विशेषता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और सिंगल, ये इस तरीके से मसल्स एक दूसरे के टैपरनिंग एंड्स के साथ टच करती हुई ये पाई जाती हैं, विसरल मसल्स। इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, कारण कि ये इनके एंड्स जो हैं वो टैपरनिंग है। इधर देखिए, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, कारण कि इसके अंदर ये जो स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट रीजंस पाए जाते हैं, उस वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, बॉडी कैविटी के अंदर। उनकी एक विशेष बात यह कि इनवॉल्यूंट्री होती है, यानी ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हम भोजन को आगे मूवमेंट नहीं करने देंगे खाने के बाद? तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो ये इनवॉल्यूंट्री मसल्स करती हैं, जो कि हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होती है। दूसरी, इसके अंदर ये स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, हालांकि एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि ज़रूरी हैं। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स भी अगर आप शेप के हिसाब से देखो तो वो लगभग वैसी हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होती हैं। दूसरी, इसका जो सार्कोमियर है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। बाकी स्ट्रिएशंस इसमें भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको भी स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स इनको भी कहते हैं, इनको भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये ब्लैक डार्क रीजंस पाए जाते हैं। दूसरा मेजर जो अंतर वो ये है कि ये ब्रांच्ड होती है, वो ब्रांच्ड नहीं होती। और यहाँ पर देखिए यूनिन्यूक्लिएटेड सार्कोमियर है यहाँ पर, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर कैसी है, स्केलेटल मसल्स जैसी। तो ये कार्डियक मसल एक बार फिर से देख लीजिए, और ये भी क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, तीनों टाइप के मसल्स को कंपेरेटिवली बनाने के लिए पहले उनका डायग्राम बनाइए, दूसरा उनकी लोकेशन लिखिए, तीसरा न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसी है, चौथा जो है स्ट्रिएशंस कैसे हैं, चौथा जो है ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी। अगर हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं, देखिए जरा, ये स्केलेटल मसल है, ये विसरल मसल हो गई, और ये कार्डियक मसल हो गई। लोकेशन कहाँ है, ये स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ये विसरा में है, ठीक है। और ये कहाँ है, हार्ट में है। देखिए न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम देखते हैं तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड है। स्ट्रिएशंस देखें तो इसमें क्या है, प्रेजेंट हैं, इसमें एब्सेंट है, और इसमें फिर प्रेजेंट हैं। अगर इच्छा शक्ति पे काम करती है कि नहीं करती उसके बेसिस पे देखें तो स्केलेटल मसल्स क्या है, वॉलंटरी है, और विसरल मसल्स इनवॉलंटरी है, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये सारा का सारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में, आशा है आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं न्यूरल टिश्यू। अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यूरल टिश्यू की। जिसमें दो तरीके की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, न्यूरल सेल एंड
ग्लिया सेल्स, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, शायद आपकी बुक में भी ना दी हो। न्यूरल सेल को अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये आप ज़रूर ढंग से बनाना सीख लें। इस तरीके से ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको साइटोन बोलते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो इसी एरिया में होता है, और यही पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, और ये जो है ये नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक, इस पे आपको दिखेगा यहां पर इस तरीके से माइलिन शीथ दिखेगी, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, और माइलिन शीथ के ऊपर आपको कुछ सेल्स और दिखाई दे सकती हैं जिनको श्वान सेल्स बोलते हैं, रेड कलर की मैंने बनाई है यहाँ पे श्वान सेल्स। वही सेल्स कौन सी सेल्स हैं, ये ग्लिया सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आपको कंस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसकी नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता देना चाहता हूँ कि न्यूरल सेल्स क्या करते हैं, या नर्व सेल्स जो हैं वो यहाँ से इम्पल्स लेती हैं, सूचना को यहाँ से लेती हैं, और ये सूचनाएं पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है, यहाँ जो दूसरी सेल होती है, दूसरी नर्व सेल होती है, वो इस सूचना को और आगे पहुँचाती है, उसके बाद तीसरी नर्व सेल, इस तरीके से सूचना एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में यहाँ पर कोई फिजिकल एसोसिएशन इन सेल्स का नहीं होता है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये सूचना एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पर ज़रूर ये प्लस माइनस चार्ज चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में यहाँ से चलती है। तो ये सारा का सारा क्या है, न्यूरल टिश्यू है। तो हम पूरे जो टिश्यूज़ हैं एनिमल टिश्यूज़ वो कंप्लीट कर चुके हैं, आपने देखा था चार टाइप के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में जो है ये न्यूरल टिश्यू। तो ये आपके टिश्यूज़ पूरी तरह से कंप्लीट हैं, आप ये स्ट्रक्चर ज़रूर ध्यान से देख लें, ईजी है काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।